Yeah, I think we're doing this. सो हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो फ्रेंड्स, अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील पे कुछ इस तरह का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। सो गाइस, आप इस तरह का वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम के रील पे अपलोड करते हैं तो गाइस आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो गाइस, आज इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि कुछ इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको VN एप्लीकेशन चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आपको राइट की तरफ नीचे की तरफ ब्लू रंग में प्लस का आइकन दिख रहा होगा तो उसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद में आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना होगा एंड यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद में आपको मैं एक 13 सेकेंड का वीडियो दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना एंड ऐप में एक्सपोर्ट कर लेना। जैसा कि हमारा वीडियो ऐप में आ चुका है तो ये आने के बाद में इस वीडियो के आगे इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिलेगा ब्लैक रंग में। सिंपली इसको आपको डिलीट कर देना है। सो डिलीट करने के बाद में आपको यहाँ इस वीडियो के बीच में एक कट लगाना होगा। तो आपको कट लगाने के लिए मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। ये कोने में आपको टाइमिंग दिख रहेगी, है ना, ये टाइमिंग दिख रहेगी। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग रखनी है 16:59 सेकेंड, तो ये रख लेना। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना। जूम आउट करने के बाद में इसको ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद में इसको पीछे की तरफ स्क्रॉल करना, करते रहना और 59 रखना एंड 59। तो इसकी लेंथ मैं रख लेता हूँ 6.59 इसकी लेंथ रख लेनी है, जैसे कि यहाँ पे डन। तो यहाँ पे आपको रोक देना। ये होने के बाद में आपको इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद में आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा बड़ा वाला, तो इसको ऊपर टैप कर देना एंड वीडियो एंड फोटो पे टैप कर देना। टैप करने के बाद में आपको अगर वीडियो ऐड करना है तो वीडियो ऐड कर लेना एंड फ़ोटो ऐड करना है तो फ़ोटो ऐड कर लेना। तो मैं फ़ोटो ऐड करूँगा तो फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको अपनी गैलरी में से अपनी 6 फ़ोटो एक्सपोर्ट कर लेनी ऐप में। तो मैं अपनी 6 फ़ोटो को ऐप में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमारी 6 फ़ोटो ऐप में एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो सिंपली आप भी ऐसे कर लेना। सो ये होने के बाद में आपको इस वाली क्लिप के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको वॉल्यूम बटन पर टैप करके इसकी वॉल्यूम डाउन कर देनी है। सो ये होने के बाद में आपको इसमें म्यूज़िक ऐड करना होगा। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए हमको टैप टू ऐड म्यूज़िक दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो उसके ऊपर टैप कर देना एंड म्यूज़िक पे टैप कर देना। सो टैप करने के बाद में आपको प्लस के ऊपर टैप करना होगा, एक्सटर्न फ्रॉम वीडियो पे टैप करना होगा। सो टैप करने के बाद में आपको गैलरी में से ऑडियो को ऐप में एक्सपोर्ट कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐड कर लेना, तो मैं ऐड कर लेता हूँ इसको फटाफट। सो आपको चॉइस के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद में आपको म्यूज़िक बीट के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे आपको 6 बीट लगानी होगी। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इनका बीट की साइज का, मतलब टाइमिंग का। तो स्क्रीनशॉट ले लेना एंड ये होने के बाद में राइट पे टैप कर देना। राइट पे टैप करने के बाद में आपका ऑडियो ऐप में आ जाएगा। सो ऑडियो आने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपको सेकंड बीट दिख रही होगी तो उसके ऊपर टैप कर देना एंड आपको फ़ोटो की लेंथ भी उतनी रखनी जितनी हमारी सेकंड बीट है। तो हमारी थर्ड बीट पे हम वापस क्लिक करेंगे एंड इसकी फ़ोटो इसकी साइज उतनी रख लेंगे एंड फोर्थ बीट पे
एंड इसकी लेंथ उतनी रख लेंगे, मतलब हमारे जितने भी वेट है हम उनके अकॉर्डिंग हमारी फ़ोटो की साइज रख लेंगे। सो यहाँ पे हमारी बीट है तो यहाँ तक ये रखेंगे, एंड यहाँ पे हमारा ऑडियो एंड हो रहा है तो इसकी लेंथ हमको यहाँ तक रख लेनी है। सो ये सब होने के बाद में आपको नेक्स्ट काम ये करना होगा, एफएक्स लगाना होगा फ़ोटोज़ में। तो फ़ोटो में एफएक्स लगाने के लिए आपको फर्स्ट वाली फ़ोटो के ऊपर टैप करना होगा, एंड टैप करने के बाद में आपको एफएक्स पे टैप करना होगा। सो एफएक्स पे टैप करने के बाद में यहाँ पे हमको कई एफएक्स देखने को मिलेंगे। सो आपको फर्स्ट फ़ोटो में आपको लगाना होगा जूम इन एफएक्स, तो इसको पर टैप कर देना एंड राइट पे टैप कर देना, जिससे ये हमारी फ़ोटो में फर्स्ट वाली फ़ोटो में लग जाएगा। एंड हमारी नेक्स्ट फ़ोटो के ऊपर हमको जितने भी इसके बाद में जितने भी फ़ोटो हैं सबके ऊपर आपको ये वाला एफएक्स लगाना होगा। तो मैं बता देता हूँ, जीटर अप देख रहे होगे तो ये वाला लगा देना सारी फ़ोटो के ऊपर। तो मैं ये फटाफट ये जीटर अप एफएक्स लगा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी सारी फ़ोटो में एफएक्स लग चुके हैं। तो ये होने के बाद में आपको वापस अपनी फर्स्ट फ़ोटो पर आना है एंड आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको जूम वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा एंड जूम आउट टैप कर देना होगा एंड राइट पर टैप करना होगा एंड वापस आपको अपनी सारी फ़ोटो के ऊपर जूम आउट लगा देना होगा। तो ये भी मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी एडिटिंग एंड हो जाती है, तो हमारा वीडियो यहाँ पे बन चुका है। तो मैं एक बार आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमारा वीडियो अच्छे से बन चुका है, तो आप भी ऐसी वीडियो अपनी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये होने के बाद में इसको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर की तरफ ब्लू रंग में एरो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ राइट पे टैप कर देना होगा, जिससे ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।